एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देख लिया है कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। सो अभी हम लोग हैं नागपुर स्टेशन पे और अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, बता दूँ। सो अभी यहाँ से हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आपको देखना है, तो आपको उस ब्लॉग को कंटिन्यू देखना है। एंड यस, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं, सुबह सुबह के बज रहे हैं अभी, क्योंकि हमारी ट्रेन 2 घंटा लेट हो गई है। हाँ, वो 10 बजे आने वाली है, तो हम लोग को 4 घंटे इधर उधर ऐसे घूमना फिरना, टाइम पास करना है। मेरा सो गाइस, फाइनली ट्रेन आ गई है। 7:30 बजे की ट्रेन थी, मगर 3 घंटे होने को गाइस फाइनली ट्रेन आ गई है। 7:40 पे थी, 3 घंटा लेट हो गई है और काफ़ी देर से हम लोग वेट कर रहे हैं। और रात भर से तो आप जानते ही हो, ये डे 2 है हमारा। अगर किसी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, जहाँ हम लोगों की सीट है ना, वहाँ पे कोई थोड़ा मतलब ठीक नहीं लग रहा उसको, तो उसको डॉक्टर वगैरह देख रहे हैं ट्रेन में, थोड़ा उसकी इमरजेंसी है, तो इसलिए भी हम लोग इधर साइड में बैठे हैं। अब जैसे ही वो ठीक होता है तो फिर हम हमारी सीट पर जाएंगे। अभी हम लोग हैं नागपुर में, नागपुर से अभी ना बोलो दो मुर्गा खाना, वो जा रहे हैं ना यहाँ से ऐसे चिल्ला चिल्ला के। आधा से 1.5 घंटा हो गए बात चल रही है। हम 26 से 27 को गाइस अब 7 बज गया है। और प्रनु जैसी सुई थी ना वैसी सुई है, कुछ भी मैच नहीं हुआ है। और आपको मेरा वाला दिखाता हूँ कि मेरा क्या कंडीशन हुई है। ऐसी कंडीशन हो गई। सो गाइस, क्योंकि मुझे क्या है, आधे से ज़्यादा टाइम मुझे नींद ही नहीं आई है, यानी नींद ही नहीं है। मैं 4 बजे उठ गया था, 1 बजे सोया होगा और 4 बजे उठ गया। पता नहीं, मेरे को नींद नहीं आ रही, थोड़ा सा मेरे भी पैर दर्द कर रहे हैं। और तेरे? तो फाइनली गाइस हम लोग उतर गए हैं और हम लोग अभी उतरे हैं मीरा रोड, और मीरा रोड से हम लोग जा रहे हैं। वे क्या पता बताया? पता बताया, गाइड मार लेना है, हाँ वो ऑटो को फॉलो करना था ना, उनकी ऑटो आई कि नहीं। मीरा रोड स्टेशन पर है हम लोग निकल रहे हैं अंधेरी ईस्ट के लिए। अंधेरी ईस्ट जाएंगे, और क्योंकि वहाँ पर ऑडिशन है नहार पब्लिक स्कूल, सॉरी नहार इंटरनेशनल स्कूल में है, तो वहाँ पर जाके अभी लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत होगी। और हम लोग कहाँ रुके, किसके यहाँ रुके, वो आपको हम लोग आके बताएँगे क्योंकि हम लोग सोए नहीं हैं, बहुत परेशानी हो रही है। मतलब ऐसा चेंज हो गया, आराम से नहा लिया है, फ्रेश हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, बस कहाँ रुके हैं ये आप लोगों को पता चलेगा इसके बाद, आकर बता देंगे आप लोगों को। इतनी नींद आ रही है। हम लोग अंदर आ गए हैं और इतनी लंबी लाइन है, प्रनु अभी ये खड़ी है, अभी पता नहीं अब कितना समय लगता है कि अब लोग बाहर खड़े हुए हैं बारिश की वजह। तो गाइस, मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ऑडिशन दूँ, मगर यहाँ अंदर रहना पड़ेगा तो मुझे ऑडिशन देना पड़ेगा।
खुशी से कि इनके साथ में रहता हूँ, ये कुछ नया हुआ है, मैंने सोचा नहीं था मगर ये ऐसा कुछ नया हुआ, अब देखते हैं। मेरा भी नंबर लगा हुआ है, मैं अभी लास्ट में इधर पीछे। सो गाइस ये खड़ी है रनु, और मेरे साथ हुआ है कि मेरे 1991 था तो एज ज़्यादा है, इस वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया। वैसे मुझे देना तो था नहीं, क्या करवा रहे यार, पहले वापस ऐसा करवाया फिर जैसे थे फिर से वैसे ही करवा रहे यार, कितने टाइम से परेशान है। फिर प्रणु वहीं चली गई, क्या मतलब है यार। सो गाइस नागपुर इंदौर सब तरफ तो देख लिया, फर्स्ट टाइम कैमरा दिखा है इंडियन आइडल में मुंबई में, तो मैंने सोचा कि इस बार सही है, अच्छा हुआ यहाँ आया हूँ। प्रणु का मोबाइल तक ले लिया हमने हाथ में, और प्रणु का छाता पकड़ा दिया है, इंडियन आइडल का बोले फ्लैग भी ले लिया है। अब पता नहीं आगे प्रणु का भी कुछ होने वाला है, मैंने थोड़ी क्या लेते हैं इंटरव्यू कुछ उस टाइप का। Thank you.
सो गाइस अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लिया है हम लोगों ने, ये है और ऑडिटोरियम में बैठे हैं यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं। और इसके बाद फिर वो 10-10 करके ना ऐसे सब लोगों को अंदर भेज रहे हैं, मतलब 10-10 का ग्रुप बना के। सो अभी टाइम है थोड़ा सा नंबर आने के लिए, तो जैसे नंबर आएगा मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है। सो सो गाइस फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो चुका है एंड आई एम सो हैप्पी। और अभी ऐसा सीन है कि यहाँ पर सब लोग ना सेकेंड राउंड के लिए वेट कर रहे हैं। बाय द वे मुझे ना फर्स्ट राउंड में इतना अप्रिशिएट किया वो जज ने जो वहाँ पर थे, उन्होंने इवन मुझे उनका नंबर भी दिया है कि अगर मतलब आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बट मैंने कभी सीखा नहीं है ना कोई सिंगिंग कुछ भी सीखी नहीं है, तो वो बोल रहे थे कि आपकी आवाज़ बहुत 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 अच्छी है लेकिन आपको और सीखना चाहिए, मतलब अपनी आवाज़ को और अच्छा करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने ना एक उनका खुद का मुझे नंबर दिया है टिश्यू पेपर के ऊपर लिख के गाइस, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को थोड़ी देर में। और मेरे हस्बैंड बेचारे इतने मेरे लिए वेट कर रहे हैं बाहर, इतनी लाइन लगा के मेरे साथ खड़े रहे, रात भर परेशान रहे। आप लोगों को तो सब पता है, आपने जर्नी पूरी देखी है एंड आई एम सो लकी कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। देखो भी इतनी उनकी दुआ है मेरे ऊपर, आप लोगों की इतनी सारी दुआ है कि फर्स्ट राउंड मैंने क्लियर कर लिया है। लेट्स सी सेकेंड राउंड में थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन क्योंकि ना ये सेकेंड राउंड तक मतलब फर्स्ट राउंड तो क्लियर करा देते हैं जो अच्छा गाते हैं, लेकिन सेकेंड राउंड में फिर पता नहीं किसी का सिलेक्शन नहीं करते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। मैं बहुत लकी, मेरे हस्बैंड बेचारे अभी पता है बाहर खड़े हैं, इतना पानी बारिश सब हो रहा है आ रही है लेकिन फिर भी गेट के पास ही खड़े हैं। सो मुझे उनकी बहुत टेंशन भी हो रही है बट एट द सेम टाइम मैं बहुत खुश भी हूँ कि फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है, तो मेरी वजह से उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है। सो और कुछ खाया पिया नहीं है गाइस, सुबह से भी बस बिस्किट ला कर दी थी मुझे उन्होंने, तो वही मैंने खाई है अभी। और मैं ज़्यादा ना यहाँ पर दिखा नहीं सक रही हूँ क्योंकि ना यहाँ पर जो वॉलेंटियर्स हैं वो चिल्ला रहे हैं, वो मतलब बताने नहीं दे रहे हैं, कैमरा ऑन करने नहीं दे रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप लोग प्लीज़ जितने भी लोग हैं इंस्टाग्राम पे वो लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं एंड प्लीज़ आप लोग भी प्रे करो कि अगर इसमें नहीं भी होता है तो मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ऑडिशंस देते रहूँ और किसी दिन अच्छी सिलेक्शन होके आप लोगों की इच्छा पूरी कर सकूँ, आप लोगों के सपने मैं अपने तरफ से पूरे कर सकूँ। सो लव यू गाइस, मिलती हूँ आपको अभी सेकेंड राउंड के बाद क्या होता है वो आप लोगों को अपडेट जरूर दे दूँगी। सो गाइस अभी भी बैठे हैं हम लोग यहाँ पे और करीबन 4:15 बज गया है, बहुत सिर दर्द हो रहा है। अभी तक ऐसा कुछ मतलब नंबर वगैरह आया नहीं है और अभी भी कोई ऐसा कंफर्म नहीं कब तक आएगा, क्या पता भूख लगी है खाना नहीं खाया है सुबह से, बेचारे मेरे हस्बैंड परेशान हो रहे हैं उधर, बट ठीक है एक दिन की मेहनत है और आई डोंट नो यार क्या होगा आगे। बट स्टिल आप लोगों ने बहुत बार बोला था कि यार प्लीज़ आप ऑडिशन दो, तो इसलिए ऑडिशन देने आई हूँ मैं एंड आई डोंट नो क्या होने वाला है बट ठीक है। हेलो एवरीवन, तो अभी ना हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो इंटरव्यू ले रहे हैं कई लोग। अभी बच गए हैं 6, आप देख सकते हैं मेरी हालत क्या हो गई है। इंटरव्यू लेंगे फिर उसके बाद सेकेंड राउंड का ऑडिशन होगा जो म्यूज़िक के ऊपर होगा, मतलब जज लोग जो है वो म्यूज़िक पर ये ऑडिशन लेंगे। हाँ अभी तो इंटरव्यू चल रहा है, आप देख लो पीछे लैपटॉप वगैरह लेके बैठे हैं बंदे लोग और इंटरव्यू ले रहे हैं। अभी बहुत थक गई हूँ मैं घर, मेरे हस्बैंड बेचारे भी पागल हो गए हैं बाहर बैठ बैठ के। देखो क्या ओके सो गाइस इंटरव्यू हो गया है, इंटरव्यू डन है और अभी शायद अभी इसके बाद ऑडिशन लेंगे, तो ऑडिशन के लिए हमको जाना पड़ेगा बाहर, तो अभी देखते हैं। अभी सब लोग ऐसे बैठे हैं, सभी लोग अभी बैठे हैं और बहुत टाइम हो गया, अभी बज रहे हैं 7:15। बहुत बहुत सुबह से पूरी शाम हो गई यहाँ पे, हम लोग करीबन 5:30-4 बजे यहाँ पर आ गए थे और अभी बज रहे हैं 7:15 शाम के। मेरे हस्बैंड तब से बाहर ही हैं, मतलब उन्होंने कुछ फाइनली अभी बहुत टाइम बाद हम लोगों के बैच का नंबर आया है, तो अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं, ये सारे लोग हैं। ओके सो
अभी देखते हैं ऑडिशन कैसा होता है, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। कल का दिन तो बहुत थकाने वाला रहा। हम लोग जहाँ स्टे कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग 11 बजे तक पहुँचे। इतने थक गए थे कि सिर्फ खाना खाया और तुरंत ही सो गए, क्योंकि मैं बाहर था और कंटिन्यू बारिश भी हो रही थी, कोई बैठने की सुविधा नहीं, कुछ नहीं। 10 बजे तक के हम लोग, यानी 10 बजे तक के प्रणु अंदर ही थी। सो 3 या 4 दिन की नींद है यार हमारी। हम लोग इतने थक गए हैं ना कि जिसकी हद नहीं। मगर कल रिजर्वेशन है, कल हम लोग को वापस भी निकलना है। सो अब आगे का प्रोग्राम, अभी बज रहे हैं 10, आगे का प्रोग्राम अब देखते हैं क्या करते हैं, कहाँ जाना है। हो सकता है हम लोग कुछ लोगों से मिले। आज के दिन है हमारे पास, आज और कल, कल नाइट में हमारी ट्रेन है, देखते हैं। हालांकि प्रणव का वहाँ एक इंटरव्यू है ना, वैसे तो पता नहीं। अब एक चीज़ और हुआ कि काफ़ी सारे वीडियोस बने हैं, पता नहीं है वो देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग कुछ ऐसा बताएं और आगे वो नहीं हो पाए, यानी वो अपलोड ना करें। इसलिए हम लोग कुछ आगे ऐसा बताना नहीं चाहेंगे। तो प्रणु उठती है, फिर वो आगे आपसे और भी बात करेंगी।